कर्म न जाना ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार ना अनजान तेरी सब ते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी मैं मूर्ख की कहत को पात सा कोट परादी तरिया रे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर घर बास न परिया रे प्रभ मोहन बसारो जी मैं जन तेरा मैं जन तेरा मन मसारो जी मैं जन तेरा मैं जन तेरा मैं जन तेरा मैं जन तेरा विस्तारो जी मैं जन तेरा मैं जन तेरा प्रब मोहन विस्तारो जी मैं जन तेरा मैं जन तेरा मन विस्तारो जी मैं जन तेरा मैं जन तेरा ना विसारो जी मैं जन तेरा सब मोहे ना विसारो जी मैं जन तेरा मोहना विसारो मोहना विसारो मैं जन तेरा अब मोहना विसारो जी मैं जन तेरा मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म कुपाती राम गुसैया जी के जीवना मोहन बतारो मैं जन तेरा मेरी हरो हरो बिपत जन करो तुबाई चरण छाडो शरीर कल जाई कह रविदास परो तेरी सांबा बेग मिलो जन करना बलांबा बाणी गुरु है बाणी बाणी अमृत सारे बाणी गुरु है बाणी बाणी अमृत सारे बाणी गुरु है
है बाणी, बाणी गुरु गुरु है बाणी। परम सत्कार योग जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सुची ते निघी गोद आनंद मान रही गुरु रूप गुरु सारी सत्संग जीओ। ये भी प्रोम शायद कैंसल ही कर दिते जाते समय की नियाकत तो समय के हालातों तो हर बंदा जाणू है। किसी तो कोई गल लुकी नहीं, किसी तो गल छुपी नहीं, पर मैं फिर भी तुहानूं अपने तौर पर एक दो बेनतियां करनियां चाहुंना। जिहड़े दुष्टां ने, जिहड़े कमीणियां ने, जिहड़े इनसानियत तों गिरे शैतानां ने साध संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी कीती है, ये किसी धर्मी बंदे दा कम तां हो नहीं सकता, चाहे वह किसी भी धर्म दे नाल संबंध रखता। ये उस उन्हां बंदियां दा कम है जिन्हां दी आत्मा मर चुकी है, जिहड़े इंसानियत तों गिर चुके ने, जिहड़े शैतान दे रूप विच ना माफ करना शरीर तां बंदियां मले लैके आए ने। अरदास तुहानूं एक बेनती कर देनी चाहुंदा है सत्संग जी, कोई कुछ कहिंदा कोई कुछ कहिंदा किन्ना सोहणा गुरद्वारा बणिया। जदों दास ने गुरद्वारे च एंटर किया आई बिकेम सो सरप्राइज, मैं देखिया भी इत्थे तां पहलां छोटा जिहा गुरदा हुंदा सी, किन्ना चंगा गुरद्वारा बनाया। मैं तुहानूं कुछ बेनतियां करनियां ने खालसा जी। आपां अखबारां दे विच पढ़ते हैं, आपां टीवी दे उत्ते देखते हैं, पहली गल तो सानूं जे असीं गुरुद्वारे की संभाल नहीं कर सकते सानूं गुरुद्वारा बनाउण दी की लोड़ है। दूजा सवाल यह है कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब नूं अपना मानते हाँ सतगुरु पातशाह, जिसका असीं दित्ता खाते हाँ, जिता जिसका असीं दित्ता पहनते हाँ, जिस दे आसरे असीं जिउंदे हाँ। साढ़े बच्चों के जन्मदिन गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी, साढ़े बच्चों दी शादियां विआह गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी, साढ़े को बजुर्ग चढ़ाई करजे तो वो पाठ के भोग भी गुरु घर पाए जाते हैं। दास आप जी ने बेनती कर देनी चाहता कि पहली गल तो साध संगत जी, दास ने परसों गुरदासपुर एक गल कही सी, आज जो भी गुरु घर हो रहा खालसा जी सारा पिंड वसदा हो, कोई दुष्ट आ के गुरद्वारे दी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी कर जे, माफ करना पिंड कितने गया हों, एक बार कह दे बाहर तुसी इस कलोनी पढ़न मिलता। दास ने परसों आख्या वो पढ़न मिलता है कि माफ़ करना खालसा जी, अखबारों च पढ़न मिलता कि फलाने पिंड जी उत्ते कोई चंडाल झोंपड़ी गई जी, और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करके चली गई। मैं क्या भी तुसी सानू ये क्यों सुनन सुनाउंदे, तुसी ये सुनन अखबारों च पढ़न मिले कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वास्ते कुछ कमीने कुत्ते इंसानियत तो गिरे इंसान गुरु ग्रंथ साहिब की ना बेअदबी करने वास्ते गए सी। उत्थे दियां संगतां ने, पिंड वालिया ने, नगर वालिया ने, जां कलोनी वालिया ने उन्हूं इहो जिहा बनाता, माफ़ करना खालसा जी, माफ़ करना गुरु की संगत, चाहीदा तां इह है। पर याद रखना सज्जणो, गुरु ग्रंथ साहिब साडा ही गुरु नहीं हैगा, इह सारी मनुखता दे सतगुरु पातशाह हन। अपना आपसी भाईचारा ना गवायो, एक बारी कह दो बहरू, जिहड़े लोकां ने गुरु ग्रंथ साहिब दी नरादरी कीती है, बेअदबी की, अपमान किया, माफ़ करना वो धर्मी बंदे का कम तो हो नहीं सकता, एक बार कह दो बहरू, वो धर्मी बंदे का कम हो नहीं सकता। और यहोजे बंदे की ना कोई जात हो सकती है, तो ना यहोजे बंदे का कोई मजहब हो सकता। माफ़ करना गुरु की संगत, दास ने कोई थोड़े समय के गल ज़्यादा कहने की कोशिश करनी है, ना वह मजहब हो सकता, ना धर्म हो सकता। माफ़ करना दुनिया के किसी भी धर्म स्थान तो माफ़ करना सारे को। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। दुनिया के किसी धर्म स्थान तो ये आवाज़ नहीं निकलती, किसी भी धर्म स्थान तो सिर्फ जेकर आवाज़ निकलती है तो गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी के निकलती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, सरबत दे भले दी अरदास सिर्फ ते सिर्फ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरणां दे विच कीती जांदी है। दास परसों पंजाब दे विच बोल रहा सी, भरावो अपना आपसी भाईचारा नाल गवायो,
दुष्ट फड़े जाने ने। आई पुट यू क्वेश्चन, दुनिया का इतिहास पिछला पढ़ के वेखो, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब की निरादरी की है जां किसे गुरु घर की बेअदबी की जां गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की, कोई बंदा बचिया भी अज तक? तुसीं बोलदे क्यों नहीं? कोई बंदा बचिया? कोई बंदा अज तक कोई बंदा बचिया जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की होवे, निरादरी की होवे, वह बंदा बचिया होवे? माफ करना, बचना तो हुण भी नहीं, एक वारी कह दे, बचना तो हुण भी नहीं। पर दास तुहानू अपने वालों एक बेनती कर देनी चाहता कि जिवें आ कलोनी वाले ने, यह मत सोचो कि फलाने तां ऐ हो गया। गुरु घरां दे विच पहरे करो सख्त, माफ करना गुरु की संगत। वह गुरु ग्रंथ साहब जिहड़े सारी मनुखता का पहरा देंदे ने, सरबत का भला मंगते हैं, माफ करना अज सानू उस गुरु ग्रंथ साहब के पहरे देने की लोड़ पैगी। पर याद रखना सज्जनों, माफ करना, मैं आप जी बेनती कर देनी चाहना, पंजाब दे विच मैं लोगों को कहा, भरावो अपना आपसी भाईचारा प्यार बना के रखियो। किसे धर्मी बंदे तुहानू किसे नू कहो, किसे सिख नू कहो कि तू अमके धर्म की कोई होली बुक है जिहड़ी उहनू पाड़ दे, पाड़ू पाड़ोगे तुसी? तुसी कदे नहीं पाड़ोगे। पर साध संगत जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणां च मत्था टेकदे हां, बंदा हिल जांदा। एक वारी आके एक वारी कह दिओ, बंदा खिल जांदा, खिल। पर माफ करना गुरु की संगत, यह तो उन्होंने लोगों का काम है, माफ करना गुरु की संगत। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं तुहानू सारे बेनती करदा, भाई साहब कह के कहने दिवाली, दिवाली मनाउणा किहड़े हत्थां नाल मठियाईयां खाओगे तुसी? दसो किहड़े हत्थां नाल मठियाईयां खाओगे? किहड़ा किहड़े हत्थां नाल तुसी दीप माला करोगे? किहड़े हत्थां नाल तुसी माफ करना खालसा जी पटाके आतिशबाजी करोगे? माफ करना गुरु की संगत। हर गुरु घर दे विच सास, मैं तुहानू बेनती कर रहा, तुहानू बेनती कर रहा, हर गुरु घर दे विच ना अखंड पाठ रखे, ना अखंड पाठ साहब रख के दिवाली वाले दिन भोग पायो जे, अरदास करो जे, सवेरे शामी ना अरदास करो, महाराज इन्हां दुष्टां दा कदू बेड़ा गर्क होवेगा, इन्हां दुष्टां दा कदू बेड़ा गर्क होवेगा? माफ करना खालसा जी, सिख की अरदास कदी बिरथी नहीं जा सकती। पर मैं बेनती करता, निकले की, निकले की, कौन निकले? और गुरु घर के ग्रंथी निकले, एक बार कह दो बहन, कौन निकले? और पढ़ के देखो खालसा जी, गुरु घर कई सेवा सेवा करने वाले निकले। दास तुहानू बेनती कर कर देनी चाहता है, गुरु नानक पातशाह की जिंदगी बड़े बड़े समय आए, एक बार कह दो बहन, बड़े बड़े समय आए। एक समा ऐसा आया जदों बाबे नानक ने गुरता गुरगद्दी की चोण करनी सी, दो पुत्र बैठे ने, थोड़े समय से ज़्यादा गल कहने की कोशिश करूँगा, दो पुत्र बाबा श्री चंद बाबा लक्ष्मी दास, शक्तियाँ वेयर द क्वेश्चन ऑफ पावर, जिन्हां दे कोल शक्तियाँ उन्हां दे कोल भी घट नहीं सन। गुरु नानक पातशाह का छोटा साहबजादा बाबा लक्ष्मी दास शिकार खेड रहा, बाबा श्री चंद जी नूं किसी ने जाके आखिया, आख्या बाबा जी तुहाडा छोटा भरा लक्ष्मी दास माफ करना शिकार खेड रहे ने। लक्ष्मी दास जी, बाबा श्री चंद जी कहते ज्यों तुरे ज्यों दौड़े तो जाके बाबा लक्ष्मी दास नूं आख्या, इनिया इनिया शक्तियां रखने वाले पुत्र गुरता गुरगंधी तू वांझे रह गए, इत्थे इलैक्शन नहीं इत्थे सिलैक्शन है, एक बारी कह दे वाहरू। बाबा दीप सिंह ने कहड़ा इलैक्शन लड़िया सी? गिव मी आंसर। बाबा दीप सिंह ने कहड़ा इलैक्शन लड़िया सी? भाई मणि सिंह ने कहड़ा इलैक्शन लड़िया सी? भाई तारू सिंह ने कहड़ा इलैक्शन लड़िया सी? इस दिल्ली के अंदर भाई मत्ती दास के सिर से आरा चलता सी, सत्ती दास जी रूई लपेट के जूंदे अग ला के साड़ दते गए, इन्हां गुरु के लाला ने कहड़ा इलैक्शन लड़िया सी? एक बारी कह दो बहरू। माफ करना गुरु की संगत, बाबा श्री चंद ने आख्या भरा लक्ष्मी दास शिकार खेड रहे, तेनू पता नहीं एक दिन दरगाह के हिसाब किताब देना पैना है। उस मौके बाबा लक्ष्मी दास ने आख्या, माफ करना, आख्या वीर श्री चंद जे गुरु नानक दे घरे जन्म लैके ना, माफ करना हिसाब किताब देना सी, फिर गुरु नानक दे घरे जमना ही करनू सी। खालसा जी इतिहास पढ़िया करो कि अपना, माफ करना अपना आपसी भाईचारा ना गुआओ, प्यार ना गुआओ, गुआओ। ये दुष्टा का काम है, ये विरोधियों का काम है, उन्हों का काम है जिन्हों का कोई धर्म नहीं। धर्मी बंदा ये काम नहीं कर सकता, जरा ध्यान देना पवेगा। एक बारी कह दो बहरू। बाबा लक्ष्मी दास का कहना कि जो गुरु नानक के घरे जन्म लैके
हिसाब किताब देना सी, पहला हिसाब किताब ही नबेड़िया ही। घर वाली बच्चा सी नाल लए घोड़े ते सवार होके आकाश मार्ग के जरिए जा रहे ने, आकाश मार्ग मार्ग के जरिए जा रहे ने। ये तुसी मत सोचो कि गुरु ग्रंथ साहब वेखते नहीं, एक बारी कह दे वाहिगुरु, ये वेखते भी ने, ये सुनते भी ने, ये बोलते भी ने, पर एक गल ना भुलना, बदकिस्मती साड़ी कि असी कदे अपना इतिहास नहीं पढ़िया। असी अपने इतिहास को भुल गए, बाणी प्रभ की सब को बोले आप अडोल ना कबू डोले। ये तो कलगीधर पातशाह दे चोए सन। आप कहते हैं कि जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आनंदपुर साहब का किला छड़िया ना, सरसा का पानी ठाठा मारदा सी, महाराज के परिवार का विछोड़ा पै गया। यह आप कहने माफ करना, परिवार का विछोड़ा पै गया। यह तो गुरु साहब खालसे की परख कर रहे सन, खालसे ने मजबूत बना रहे सन। माफ करना, जिदे सिख न मेरे कहण तो भाव गुरु गोबिंद सिंह के सिख न जे अटक दरिया वर्गा दरिया राह दे सकता है, तो गुरु गोबिंद सिंह सरसा राह नहीं सी दे सकती खालसा। एक समय ढालाना मोहरा मंडिया ने दखन नदेड़ की धरती से जाके खालसे की परख सी, छे छह महीने दिया भुखा ने मारे लड़ते रहे। एक बार फिर कह दे वाहू, माफ करना, चंगे टीचर के बच्चे डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, माफ करना चंगी चंगी पोस्टा पर पहुँच जाते। चंगा टीचर अपने बच्चों मैडिकल तक पहुँचा देता, मैडिकल लाइन तक पहुँचा देता, इंजीनियर लाइन तक पहुँचा देता। माफ करना कि यहोजा बना देता कि मेरा पढ़ाया बच्चा डॉक्टर बन सकता, मेरा पढ़ाया बच्चा इंजीनियर बन सकता है। और गुरु गोबिंद सिंह यहोजा सिख बना बना रहे सन कि मेरा सिख आरिया थले सिर भी दे सकता खालसा जी। महाराज ने बनाया मेरा सिख बंद बंद भी कटवा सकता भाई मनी सिंह, मेरा सिख माफ करना खोपर लवा सकता, मेरा सिख बिना सिर तो भी लड़ सकता खालसा जी। सारे को धन बाबा दीप सिंह, मेरा सिख बिना सिर तो भी लड़ सकता। मुकदी गल कि गुरु की संघ गुरु साहब सिख न स्ट्रोंग बना रहे सन, पर जरा ध्यान देना पवेगा। जरा सिंह दास साहब जी बेनती कर रहे हैं, शक्तियां पुत्रां दे कोल घट नहीं, माफ करना। पता बाबा श्री चंद जी का पुजना ते बाबा लक्ष्मी दास का कहना, वीर श्री चंद जे गुरु नानक दे घरे जन्म लैके हिसाब किताब देना सी, पहला हिसाब किताब ही दिया ही है, जमना ही कहनू सी गुरु नानक दे घरे। आकाश मार्ग के जरिए घोड़े ते सवार होके बाबा श्री चंद लक्ष्मी दास जी घरवाली गोदी च बच्चा बिठाया ने, आकाश मार्ग के जरिए सचखंड जा रहे ने। पता लगा बाबा श्री चंद, बाबा जी तुहाडा भरा ते समेत परिवार ही सचखंड टुर गया। मुकरी गल कि गुरु किसन समेत परिवार ही सचखंड टुर गया। पता लगना बाबा श्री चंद नू गुरु की संगत साढ़े यार हजार योजन, एक योजन चार वील का दसिया, इन्ने इन्ने इनिया इनिया शक्तियां रखने वाले पुत्र गुरता गुरगद्दी तू वांझे रह गए। माफ करना सतसंग जी, साढ़े यार हजार योजन बाह लंबी करके बाबा श्री चंद ने लक्ष्मी दास के पुत्र ना बाह तू फड़ के थले ला लिया, क्योंकि आप अवधू साधु सन ता कि गुरु नानक दी कुल चलती रहे। इन्हें इन्हें जो गुरता गुरगद्दी चोण करन दा समा आया, बड़ा करड़ा समा सी, दास तैनूं पुछ सकदा असी तो एक ग्रंथी की चोण नहीं कर सकते, कह दे भाई असी एक चंगे ग्रंथी की चोण नहीं कर सकते। माफ करना हरिमंदर साहब च मैनूं बड़ी खुशी है कि इत्थे दे गुरु ग्रंथी सिंह गुरसिख ने रब दे प्यारे ने मारदा भै मनण वाले ने। जदों बाणी दा जहाज तैयार किया गया बल्ले बल्ले बड़े बड़े कमाइयां वाले सिख, बाबा भाई प्राणा जी वर्गे, भाई जेठा जी वर्गे, भाई गुरदत्ता जी वर्गे, कहो कहो जिहा सिख बैठे सन। जदों गुरु माफ करना माफ करना गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करन का समा आया, गुरु ग्रंथ साहब के ग्रंथी की चोण करन का समा आया। धन बाबा बुढ़ा जी जिन्होंने 113 साल गुरु घर की सेवा की खालसा जी, 113 साल गुरु घर की सेवा की बाबा बुढ़ा जी वर्गे। माफ करना गुरु घर के वजीर ग्रंथी सिंह, माफ करना नीयत किया गया खालसा जी। मैं तुहानू बेनती कर रहा एक बार कह दौ बहरू, एक बार फिर कह दौ बहरू, ओ भरावो जे गुरु साहब दे तुसी सिख हो, जे आप गुरु ग्रंथ साहब मनते हैं, आप गुरु घर करिए पहरे सख्त, माफ करना तो कि हिम्मत इतने आ जाए। पर सजनों एक गल ना भुलना,
एक दिन कह दो, एक दिन सारे जन कह दो, एक दिन, एक दिन दो दिन नहीं होंगे। एक दिन धर्मी का होंगे, एक दिन पापी का होंगे, एक दिन पापी का, एक दिन धर्मी का, एक दिन रावण का सी। माता सीता चढ़ा के लै गया खालसा जी। एक दिन राम का सी, एक दिन राम का सी, और रावण रामचंद्र दे राम दे हथों कुत्ते की मौत मारिया गया। एक दिन कंस का सी, कृष्ण भगवान की मां देवकी ते पिता उग्रसैन कैद कैदखाने च कैदी बना के रखिया सी। एक दिन माफ करना खालसा जी कंस का सी, एक दिन कृष्ण भगवान का सी, ओ एक दिन चंदू दवान का सी। पंजवें पातशाह धत्तियां तरियां ते बिठाया, पापी को मारने के लिए पाप महा बली है गीता दे विच दस्सिया। एक दिन चंदू दवान का सी, पर एक दिन सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज के सिखां दा भी सी। सजणों एक दिन वजीदे खां दा सी। ओ छोटे छोटे साहबजादे पंजाब दे लोकां दे हिरदे बंदूंद रह गए ने। आ वेखो तुसीं टीवी ते देखदे होणे हो, मलेर कोटले दे नवाब, माफ करना किते मुसलमानां दा इतिहास पढ़ीए, कौन कहिंदा कि साडे गुरु साहब मुसलमानां दे खिलाफ सन? गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे विच जे महाराज इस्लाम दे खिलाफ होंदे, माफ करना जां मुसलमानां दे खिलाफ होंदे, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सत मुसलमान माण फकीरां दी बाणी क्यों दर्ज कीती जांदी? एक वारी कह दिओ बाहरू, इत्थे बाबा फरीद जी जात दे मुसलमान, इत्थे माफ करना भगत कबीर जी जात दे जुलाहे मुसलमान, इत्थे भगत भीखण जी जात दे मुसलमान, भगत सदना जी जात दे मुसलमान, इत्थे सत्ता बलवंडा जात दे मराशी मुसलमान, होर ते होर पुछोगे? एक वारी कह दिओ बाहरू, और गुरु नानक दे कीर्तन दरबार दा पहला कीर्तनिया भाई मरदाना जात दा मराशी मुसलमान सी। मेरे पातशाह क्या करदे मरदानिया यारा, या तू कीर्तन करदा साड़ियां निरंकार ना जपियां पै जांदियां, साड़ियां निरंकार ना जपियां पै जांदियां। गुरु नानक दे दरबार दा पहला पहला रागी कीर्तनिया भाई मरदाना याद दा मुसलमान सी। गुरु हरगोबिंद जी दे दरबार दा छेवें पातशाह दे दरबार दा पहला ढाडी अफजल गफार ज्यादा मुसलमान सी। दुनिया वसदी सी, संसार वसदा सी, जदों हरिमंदर साहब दी नींह दी पहली इट रखण दा सवाल आया, साईं मियां मीर ज्यादा मुसलमान सन। एक वारी कह दिओ बाहर, ज्यादा मुसलमान सन, जिहड़े रोज दो रोज दे दो सूनी साहिब दे पाठ करिया करदे सन। माफ करना दुनिया वसदी सी सजणों, संसार वसदा सी, जमाना वसदा सी। माफ करना पंजवें पातशाह तत्तियां तवियां दे बैठे ने, उत्थे हादा नारा मारन वाला साईं मियां मीरजाद दा मुसलमान सी। मेरे पातशाह ने 14 लड़ाइयां लड़ियां। एक बारी कह दे बहन, किसे मजहब दे खिलाफ नहीं, किसे धर्म दे खिलाफ नहीं, बल्कि जालम दे जुल्म दे खिलाफ 14 लड़ाइयां लड़ियां। पहला जंग पौंटे पंघाणी दा, एक बारी कह दे बहन भरावो, पहला जंग पौंटे पंघाणी दा। पहले जंग दे विच, पहले जंग पौंटे पंघाणी दे जंग विच अपने दो पुत्र, पंज भरा ते 500 मरीद, असी सिख कह दिंदे आ मुसलमान मरीद कहिंदे ने, दो पुत्र पंज भरा 500 मरीद शहीद कराउण वाले साईं बुद्धू शाह जात दे मुसलमान सन खालसा जी। माफ करना सजणों, आपां विचार करके देखिए ना भाई, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, किसे दुनिया दे धर्म स्थान तू आवाज नहीं निकलती। माफ करना असी कहने आ सिखां नूं, कहने आ सिखो गुरुद्वारे आया करो जी, ग्रंथी सिंह आवाज दिंदे ने जी अमृत वेले, गुरु दी संगत उठो अमृत वेला हो गया, इशनान पानी करो गुरु कर आवो। इत्थे माफ करना जिते ग्रंथी सिंह आवाज दिंदा सानू सिखां नूं, और बाणी तां मुसलमानां नूं भी उपदेश दिंदी। माफ करना दुनिया का कोई ग्रंथ सिखां नूं उपदेश नहीं दिंदा कि तुसीं अमर छको। एक बारी कह दे बाहर, कोई सिखां नूं उपदेश नहीं दिंदा दुनिया का कोई धर्म कि तुसीं बाणी पढ़िया करो। इत्थे माफ करना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी, फरीदा बेनवाजा कुत्तिया, सारे पढ़ो, फरीदा बेनवाजा एना भली रीत, एना भली रीत, कबू चलन आयो पंजे वक्त मसीत,
ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਫਰੀਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੜੋ, ਫਰੀਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਏ ਪਰਾਂਦ ਦਰਵੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਦਰਵੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਰਾਂਦ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਅਵਲ ਅਲੋ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭੜੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਈਸਾਈ ਭਰਾ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਈਸਾਈ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿਹੜਾ, ਦੇਰਾ ਉਹ ਮਸੀਤ ਉਹੀ, ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਦੇਰਾ ਉਹ ਮਸੀਤ ਉਹੀ, ਪੂਜਾ ਉਹ ਨਵਾਜ ਉਹੀ, ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਅਵਰ ਕੋਈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿ ਚਾਨ ਬੋ। ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਧਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਾਰਸੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ 83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਤੂੰ ਮਲਿਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਦ ਜੋਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਿਦਾਊਟ ਕਾਸਟ ਕਲਰ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਡ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ, ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਘੁਮਾਤੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, 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 ਚੌਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਹੋ ਚੌਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਚੌਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਚੌਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ।
खत्री ब्राह्मण सूद बहस खत्री ब्राह्मण सूद बहस खत्री ब्राह्मण सूद बहस खत्री ब्राह्मण सूद बहस उपदेशों वरना को साझा उपदेश श्री गुरु उपदेश श्री गुरु नानक दा ओ चो वरना नु साझा उपदेश श्री गुरु नानक दा उपदेश श्री गुरु नानक दा साहब सतगुरु नानक दे महाराज माफ करना समा कोई थोड़ा जदों पंजवें पातशाह ततियां तवियां ते शहीद कर बिठा के शहीद किया गया बादशाह जहंगीर ने बहुत कुछ लिखे कई गल्लां इहो जिहियां होंदियां ने जिहड़ियां असीं लोकां दे ना सुने सुनाए यकीन कर लैंदे हां एक बारी कह दिओ वाहिगुरू कई गल्लां इहो जिहियां होंदियां ने जिहड़ियां अखी वेखियां जांदियां ने अखी वेखण विच ते कन्नी सुणन दे विच बड़ा जिमी आसमान का फर्क होया करदा हालांकि उन्हें जदों महाराज दे संपर्क च नहीं आया मुकदी गल की जरा ध्यान देना पवेगा उन्हें तवारीख जहांगीर दे विच बहुत कुछ लिखिया पर एक ऐसा समा भी आया सी तत्ती तवी ते बैठ के किसे भौरे और करनी दसी सबर की जंग ते दिल्ली चांदनी चौंक बाजार अंदर किसे दसिया जीवन का ढंग तेनू ज्यों ज्यों सड़े तू भट्ठियां विच पै पै त्यों तू चढ़िया कुरबानी का रंग तेनू तैनू मौत का डर की परवानिया होए दिता वक्त ने सूली ते टंग तैनू पंजवें पातशाह ततियां तवियां ते बैठे ने मियां मीर दा पुजना समा थोड़ा है गल कोई यादा करनी है जरा ध्यान देना पवेगा एक बारी कह दिओ वाहिगुरू एक बारी फिर कह दिओ वाहिगुरू मुकरी गल की गुरु की संगत मियां मीर दियां जदों किवें राजा रजा विच रही दे अर्जन गुरु ने जग नूं दस्या सी एक पासे जुल्म की अग है सी दूजे पासे भारी तपस्या सी एक पासे कूड़ का चंद्रमा सी एक पासे कूड़ माफ करना सच का चंद्रमा सी दूजे पासे कूड़ की मसिया सी किवें रजा रजा विच रही दा अर्जन गुरु ने जग नूं दस्या सी विचार इशारे मात्र की जा रही है मियां मीर दियां नाड़ां कुरला उठियां उहनूं पीरां दे पीरां दा पीर कह कह के मुकरी गल की असी थोड़े दिन गल है खालसा जी एक पासे धर्मी खड़े ने एक पासे पापी खड़े ने कल दी विचार धर्मियां ते पापियां ते कीती जाएगी माफ करना गड्डी मलेरकोटल दे विचों लंघ रही असी रस्ता भुल गए उस इलाके च कीर्तन करन जाना सी माफ करना सानू लगे कि संत जी तुसीं इंज करो तुसीं किधर नूं जा रहे हो मैं कहा जी फलाने नगर च जाना कहने लगे तुसीं तां रस्ते भुल गए तुसीं ऐ करो तुसीं ना माफ करना तुसीं ना मलेरकोटों शहर के बिचों हो जाओ जदों असीं शहर के बिचों गड्डी कढ़ी ड्राइवर ने तो सज्जे पासे ना लिखिया सी गुरद्वारा हा दा नारा साहब गुरद्वारा हा दा नारा साहब दास ने ड्राइवर ने कहा गड्डी रोक यार आपां पहली बार इत्थों आए हैं कई बार कई ऐसे स्थान ने जिन्हां दा सानूं पता ही नहीं एक बार कह दिओ वाहिगुरू दास ने कहा गड्डी रोक जदों गड्डी रोकी मैं दास ने कहा गड्डी बैक कर थोड़ी जी गड्डी बैक की गई जो गुरद्वारा हा दा नारा साहब लिखिया असी उत्थे दे लोगों ने पूछा ये हा दा नारा साहब गुरद्वारा ये ना सी तां नहीं सुने अज तक ये कहना संत जी बड़े कमाल की गल है तुहानू नहीं पता हा दा नारा साहब कहिंदा इत्थे मलेरकोटला दे शेर मुहम्मद खां दे गुर खां दा घर हुंदा सी जिन्हां ने जदों साहिबजादे सरहंद की खूनी दुआर चिणे जा रहा सी उन्होंने आख्या सी जीतिया बच्चे तो बच्चे ने चाहे हिंदू के बच्चे चाहे सिख के बच्चे ईसाई के बच्चे मुसलमान के बच्चे इन्ह दुध चुंकते बच्चों ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़िया उन्होंने हा दा नारा मारिया सी वह माफ करना हा दा नारा मारन करके इस माफ करना गुरु घर का ना माफ करना हा मा गुरद्वारा हा दा नारा साहब पै गया मुकदी गल की सजना अज मलेरकोटे देखे ना मेरे पातशाह ने पूछा सी किसी ने हा दा नारा नहीं मारिया आखा जी मलेरकोटा के दो भरा सन मारने आख्या जी जाओ सिखो जाओ माफ करना नूरा माई नूं आख्या जी राय कले का नौकर सी आख्या जाओ नूरिया माफ करना जाओ राय कलिया मलेरकोटला सदा वसदा रहेगा खालसा जी उत्थे दे मुसलमान बल्ले बल्ले किवें मजारियां ते उतर आए ने मुकदी गल की
ਕਦੇ ਵੇਖਿਓ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਨੈੱਟ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਦ ਹਾਰਨ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੰਦੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਹਿਰੂ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਰਮ ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਘਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੰਸ ਵੰਸ ਟਾਈਮ ਵੰਸ ਗਾਨ ਟਾਈਮ ਵੰਸ ਗਾਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਰਿਕਾਲਡ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੋ ਸੱਜਣੋ ਇਹ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੱਜਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਦੇ ਬਾਹਰੂ ਇਹਨੇ ਵੱਜਣੀ ਇਹ ਵੱਜਣਗੇ ਇਹ ਵੱਜਣਗੇ ਇਹ ਵੱਜਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘੋ ਵੈਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਇਨਸ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੈਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਣਾ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧਸਾਂ ਜੀ ਹੈਜਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਸੱਜਣੋ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਦੇ ਮੇਰੇ ਢੱਕੇ ਜਾਣ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਰਾਖੇ ਤਲੇ ਦਬਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਨਿਦਾਨ ਸਭ ਜਾ ਪੁੱਛੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਪੁੱਜਣਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੱਖ ਚਲਾ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਖੈਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਣ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪੀਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਧਰਮ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਹ ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ 22-23 ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਆਫਟਰ ਦਾ ਡੈਥ ਆਫ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਜਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਬਦਲੇ ਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਾਸੋਂ ਉਰਦੂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਇਹਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਕੌਣ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ
सारे को धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु बादशाह, माफ करना बहादुर शाह दा कलगीधर पातशाह दे चरणों में चल के जाना बेनती करनी। ओनू एक बारी नहीं किया, तेरा प्यो की करतूतां करता रहा, कह दे बाहर, एक बारी नहीं किया सत्संग दी, किसी दे माफ करना, किसे बंदे ने किसी के परिवार के जीवन का नुकसान किया हो, साडा उस बंदे प्यार हो सकता है कदे, पर गल सिद्ध करके रख दी, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साथ संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बगाना, सगल संघ हमको बने आई। इन्हें भखारी की तरह झोली अड के सिजदा किया गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों च, महाराज दिल्ली का राज लैण विच मेरी इमदाद करो, महाराज माफ करना, यदि बेनती प्रमाण कर दे। खुद अच आगरे के नेड़े चंबल की घाटी के मैदान में उतरे, दिल्ली का राज दिता खालसा जी, अवगुण कोय ना चितारता, सारे पढ़ो अवगुण कोय ना चितारता, प्रेम सहित गल आवै, गुरु नानक का घर सारिया सांझा है, जो शरण आवै, सारे पढ़ो जो शरण आवै तिस कंठ लावै, ए बिरद स्वामी इधरू बादशाह जहांगीर। सतसंग जी ये दो मिनट की विचार ना आप जी सारे ने सुन के जानी है, मैं पता कि इतने कई गल प्रशासन के मुताबिक टाइम दियाँ देनिया पैदा ने। बादशाह जहांगीर का दरबार बंद कर दिता, मियाँ मीर न अपनी ऊंची थान पर बिठाया, एक बार कह दौ बार बादशाह जहांगीर ने आख्या, पीर जी बड़ी कृपा की दर्शन दिते, कोई रूहानियत की गल सुनाओ, कोई अल्लाह ताला की गल सुनाओ, कोई खुदा के घर की गल करा सुनाओ। बादशाह मियाँ मीर का कहना, बादशाह जहांगीर तू पुछना की चाहना, इन्हें कहा जी पूर्ण पुरख के लक्षण की होंगे ने। बादशाह जहांगीर ने पूछा पूर्ण पुरख का लक्षण की होंगे ने, और गुण की होंगे ना, जब विशेषता की होंगी, पूर्ण पुरख का लक्षण की होंगे ने। मियां मीर ने आख्या है, जहांगीर अज तेन पूर्ण पुरख के लक्षण का पता नहीं लगा, अज तेन पूर्ण पुरख के लक्षण का पता नहीं लगा, तू कहना पूर्ण पुरख का लक्षण की होंगे ने। बादशाह जहांगीर ने आख्या, पीर जी मैं बेनती की थी, तुम मैं डांटन लग गए, मैं झिड़कन लग पे हो, आख्या मैं तेन पूछना चाहता, तेन पूर्ण पुरख के लक्षण का पता नहीं लगा, माफ करना। पूर्ण पुरख गमी च खुशी च हरख च सोग च दुख च सुख च भुख च वह डोलदा नहीं अडोल रहा, तैसा हरख तैसा सोग सदा आनंद तै नहीं प्योग, माफ करना। यह पूर्ण पुरख के लक्षण ने, जहांगीर ने आख्या यहोजा पूर्ण पुरख के दर्शन हो सकते हैं। इतने जहांगीर मियां मीर समझ गया कि शायद इनू विचली गल का पता नहीं, एक बार कह दो बहरू, आख्या माफ करना यहोजा पूर्ण पुरख के दर्शन हो सकते हैं। उस मौके मियां मीर ने आख्या, आख्या यहोजा पूर्ण पुरख सन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज, जिन्होंने तेरे दुष्ट चंतु दीवान ने कित देगों बाल बाल के तसीए दते ने, कित तत्तियां तवियां बिठा बिठा के सड़दियां बलदियां रेतों के कड़से पाए ने, आजा पूर्ण पुरख सन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज। उस मौके जहांगीर कहिंदा, कहिंदा पीर जी मैनू तो चंदू ने कहा सी पंजवें पातशाह है जी की बीमारी ने चले गए ने, आखिया टक्या रहो चुप कर मुकरी गल की गुरु की संगत। और गल जहांगीर के अंदर बह गई, हालांकि उन्हें तबारीख जहांगीरी च बड़ा तबारीख जहांगीरी च बड़ा कुछ लिखिया, पर समा होर सी, एक बारी कह दे वाहरू, जदों बंदा किकरां दे बीज बीज लैंदा ना वह समा होर है, जदों कंडे चुभदे ने वह समा होर हुंदा। इत्थे माफ करना बादशाह जहांगीर कहन का गल तो ठीक है, भला पीर जी मैं हैरान हाँ, मैं हैरान हाँ, क्योंकि कुरान शरीफ च लिखिया है मुसलमान होकर दूजे के धर्म की वडियाई करनी यह मुसलमान वास्ते सब तो वड्डा गुनाह है। यह तो सुन वाली गल आख्या जहांगीर ने, मी पीर जी मैं हैरान हो रहा कि तुसी मुसलमान होकर सिख गुरु की माफ करना तुसी वडियाई कर रहे जो शरा दे बिल्कुल उल्ट है। उत्थे मियां मीर ने आख्या लगदा शरा दिया
इन्हां दे आदि गुरु नानक पीरां दे पीर होए ने, इन्हां दे आदि गुरु नानक पीरां दे पीर होए ने, पीरां फकीरां पैगंबरां सत पुरशां बबेकी पुरशां दी गुरुआं दी कोई जात नहीं होंदी। आख्या इन्हां दे आदि गुरु नानक पीरां दे पीर होए ने। माफ करना, जिथे गुरु नानक साहब हिंदुआं दे तीर्थ स्थानां ते गए, बाबा काशी गया, बाबा बनारस गया, बाबा गया, बाबा गया जगन्नाथपुरी गया, बाबा हरिद्वार गया, बाबा गंगा गया, बाबा गया, बाबा गया, बाबा गया गया, जिथे हिंदुआं दे तीर्थ स्थानां ते गए उत्थे गुरु नानक साहब मुसलमानां दे तीर्थ स्थानां ते भी गए, बाबा गया, बाबा मक्के गया, बाबा मदीने गया, बाबा काबल गया, बाबा कंधार गया, कंधार गया, बाबा गया बगदाद नूं। भाई गुरदास जी कहिंदे ने बाबा गया बगदाद नूं, बाबा बगदाद गया। माफ करना, आख्या आख्या पीर जी गल तां ठीक आ, आख्या गल की ठीक है ते गलत की आ। आख्या तैनूं गल दसां, जदों किसी भी धर्म का बंदा मर के ना असीं सचखंड कह दिंदे आ, मुसलमान बेइज्जत कह दिंदे ने। माफ करना, कोई स्वर्ग कह दिंदा, कोई हैवन कह दिंदा, पैराडाइज कह दिंदा। जदों किसी भी धर्म का बंदा ना, मियाँ मीर ने आख्या, मर के सचखंड जाता है, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, माफ करना जा बिस्तान नूं जांदा है, हर सचखंड जाण वाले दे बंदे दे मत्थे, हर बिस्तान नूं जाण दे जाण वाले बंदे दे मत्थे ना दरगाह दे विच सब तों पहला गुरु नानक साहब लगदे ने खड़सा। आख्या गुरु नानक साहब लगते ने, आख्या तू शरा दियां गल्लां करदा है। एक गल अपने प्यो अकबर नूं पुछणी सी, एक बारी कह दिओ बाहर, एक गल अपने प्यो अकबर नूं पुछणी सी। जंग हो रही है अक तेरे प्यो दी जंग हो रही है जैमल फतेह दे नाल चित्तौड़गढ़ दे विच, गढ़ कहिंदे ने किले नूं, चित्तौड़गढ़ दा किला टुट्टण दा नां नहीं लैंदा। एक बारी कह दिओ बाहर, तेरा प्यो देवी देवतियां, माफ करना देवी देवतियां पीरां फकीरां दे विच बड़ा विश्वास रखदा सी, उन्हें बड़े बड़े पीरां पैगंबरां दी आराधना कीती, उहदा किला फतेह नहीं, ओह माफ करना चित्तौड़गढ़ गढ़ कहिंदे ने किले नूं, उहदा गढ़ नहीं टुटदा। तेरे प्यो ने कहा कोई होर भी कोई गुरु पीर है, तेरे उहदे वजीरां ने सलाह दित्ती गुरु नानक दी गुरता गुरगद्दी ते तीसरी जोत गुरु अमरदास जी महाराज गोइंदवाल साहब की धरती ते गुरु नानक दी जोत नूं जगाउंदे हन खालसा जी। जे तू उन्हां दे चरणां चला जाए, उन्हां दे चरणां विच चला जाए, ये चित्तौड़गढ़ दा किला फतेह हो सकदा टुट सकदा है। 2200 जवानां दे समेत लग दिया शरा दिया अपने प्यो नूं पुछणा सी उत्थे की उत्थे पेड़े खाण गया सी, शरा दियां गल्लां करन वालिया। जदों तेरा प्यो जहांगीर 2200 जवानां समेत गुरु अमरदास महाराज दे चरणां विच पुज्जा, महाराज दर्शन उहनूं दिंदे सन जिहड़ा पंगत च बहि के खाणा खांदा सी। तेरे प्यो नूं 2 दिन दर्शन नहीं होए। सिखां ने कहा कि जे महाराज दे दर्शन करने ने बादशाह पंगत विच बैठ के, माफ करना प्रचार बड़ी लंबी है, पंगत बैठ के प्रशादा छको। जदों तेरा प्यो ये गल सुनी कहिंदा ये खाने मेरे खाण वास्ते वगदा बादशाह, सिखां ने कहा इत्थे नमाणियां नूं माण मिलदा है, इत्थे आकड़ खां जिहड़े ने ना, माफ करना गुरु की संगत हंकारी, उहनां वास्ते कोई थां नहीं। अकबर दा पंगत विच बहना, गुरु अमरदास महाराज दा दर्शन देना, इहदा प्रशादा छकना, उस मौके इहने बेनती कीती सजदा करदे, महाराज चित्तौड़गढ़ दा किला मेरा फतेह होण दा नां नहीं लैंदा, जैमल फतेह मेरी पेश नहीं जाण दिंदे। उधर 84 पौड़ियां वाली बौली की खुदाई हो रही सी, आपां जिवें घरां 'च बोरिंग करदे हाँ, ट्यूबवैलां दी बोरिंग करदे हाँ, ट्यूबवैल लाउंदे हाँ, कई वारी ना कड़ बड़ा सख्त आ जांदा थल्ले, रोड़ी आ जाती, बजरी आ जाती, कंक्रीट आ जाती, उन्होंने कड़ बोलते ने, इन्हें आ कड़ बड़ा सख्त सी, वह कड़ टुटन का नाम नहीं सी लै रहा। मेरे पातशाह के चरणों में इन्हें बेनती की, महाराज कृपा करो मेरा चित्तौड़गढ़ का किला फतेह हो जाए, गढ़ किला गढ़ फतेह हो जाए। माफ करना, गुरु अमरदास जी ने कहा बादशाह अकबर तू साडा इस बौली का कड़ तोड़ दे, असी तेरा गढ़ तोड़ देंगे। तेरे प्यो ने 2200 जिहड़ा जवान सी उस बौली की सेवा चलाया, नाल होर मजदूर कट्ठे करके लाए, जिवें बौली का कड़ टुटिया चित्तौड़गढ़ का किला फतेह हो गया।
माफ करना, मुक दी गल की तेरे प्यो की खुशी का ठिकाणा ना रहा, जैमल फतेह की मौत हो गई। तेरे प्यो ने आख्या सी, बहुत ही लंबी चौड़ी गल नहीं हैगी, तेरे प्यो ने आख्या सी महाराज, गुरु अमरदास मार दे लंगर चलते वेख के आख्या सी महाराज, पार गणे ब्यासा तू पार पैंदा सचखंड हरिमंदर साहब। एक बार कह दे बहरू उन्हां पिंडां दा नां पार गणे दे, वह 12 पिंड ने। इन्हें आख्या महाराज ये पार गणे दे 12 पिंडां दी ना जमीन मैं तुहाडे नां ते कराना चाहुंदा, जगीर कराउणी चाहुंदा, लंगर चलदे रहण। गुरु अमरदास महाराज ने आख्या सी, आखे जो लंगर कितने संगत दियाँ माफ करना, ये तुहाडियां जमीना करके चलते हैं, ये तो संगत की मेरी संगत की श्रद्धा से भावना करके चलते हैं। मुकदी गल की इन्हें तेरे प्यो ने आख्या महाराज जे तुसी अपने नां नहीं कराउणी, एक बारी कह दे बार, फिर मेरी बेटी ते तुहाडी बेटी च कोई फर्क नहीं। मैं ये जमीन की जगीर जा पटा तुहाडी बीबी भानी के नाते करवाना चाहना, बीबी भानी के नाते वह जमीन का जो पटा करवाता गया, माफ कर रहा। इस करके गुरु अमरदास जी ने आख्या सी भाई जेठा जी गुरु रामदास का पहला ना सी, तेनू मेरे पुत्रा ने इतने टिकन नहीं देना, एक बारी कह दे बारू तुसी जाओ हरिमंदर साहब की मोड़ी कट्टो गड्डो जाके। मुकदी गल की आख्या मियाँ मीर ने बादशाह जहांगीर, ओ किथे तेरा प्यो माफ करना, बीबी भानी दे नाते 12 पिंडां दी जमीन करांदा, ओ किथे बीबी भानी दे कुख तू अवतार धारण करके आए सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज नूं माफ करना, तेरे दुष्टां ने तत्तियां तवियां दे बिठा बिठा के शहीद किया, माफ करना। इत्थे हुण जहांगीर हिल गया, एक बारी कह दे वाहिगुरू हिल गया। इन्हें आख्या पीर जी तुसी मैनूं पहलां क्यों ना दस्या, एक बारी कह दे वाहिगुरू पहलां क्यों ना दस्या, मैं इहो जे सतगुरु पातशाह जी की सेवा करके उन्हां दी खुशी प्राप्त करदा। इत्थां मियाँ मीर ने आख्या तू सेवा किवें कर लैंदा बिर, तू सेवा किवें कर लैंदा जब तेरे कर्मां सेवा लिखी नहीं, सेवा किवें कर लैंदा, एक बारी कह दिओ वाहिगुरू। सारी दिल्ली बैठी हो नहीं आ गई, तुसीं आए हो, तुसीं क्यों आए हो, जिस नूं लाए लए सो लागै, सारे पढ़ो जिस नूं लाए लए सो लागै, भगत तुहारा सोई। वो जिन्हूं ला लैंदा जिन्हूं ला लै वह लगता, दूजा लग नहीं सकता। इन्हें आख्या मियाँ मीर ने कहा तू सेवा किवें कर लेंगा, मुकदी गल की गुरु की संगत उस वक्त बीतदा तुरिया जांदा। इन्हें आख्या जहांगीर ने आख्या महाराज मैनू तो दुष्ट ने कहा सी है जी दी मारी न गयाने, पर मेरा तो कोई कसूर नहीं सज्जनों, वह गल ने अपने दिमाग च रखी सी, बैठी सी, कोई वक्त बनिया फिर गल करांगे। एक बारी कह दिओ वाहिगुरू, एक बारी फिर कह दिओ वाहिगुरू। मुकदी गल कि ने बड़े पापड़ वेले साड़ सती आई, आप कह के गए ने भाई साहब जी कि कित्थे असी बंदी छोड़, दाता जी का मनाते सन दिवाली वाले दिन, पर महाराज ना जदों 22 धार दे राजियां नूं छेवें पातशाह बरी करवा के आए ना, सतसंगत जी बरी करवा के आए। मुकदी गल कि गुरु की संगत महाराज छेवें पातशाह दे हत्थां विच सुचे मोतियां दा ना सुचे मोतियां दा सिमरना सी, जिहदे 27 मणके हुंदे ने। इन्नी दिनी बादशाह जहांगीर वह चाहुंदा सी कोई समा बने तो मैं इस गलती की माफ़ी मंग लां, एक बारी कह दिओ वाहिगुरू, एक बारी फिर कह। कई माफ़ी कईयां नूं माफ़ी दित्ती जा सकदी, पर जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब की बराबरी करते उन्हां नूं माफ़ी कित्थे, उन्हां वास्ते तो माफ़ी शब्द ही नहीं वरतना चाहिए। एक बारी कह दिओ वाहिगुरू, खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए। मुकदी गल की इन्हें फिर बेनती की महाराज एक सिमरना मैनू दे दिओ, इहनूं मैं अपनी तस्वी असी माला कह दिंदे आ, मुसलमान भरा तस्वी कहिंदे ने, तस्वी दे विच पा के रखूँगा। छेवें पातशाह ने आख्या आखिया तू मणके की गल करदा, तू एक मणके की गल करदा, यह तो ना हजारां गुणा महंगी कपूर दे मणकियां की बनी सुची माला, साडे पिता गुरु अर्जन देव महाराज दे हत्थां की माला तेरे दुष्ट चंदू दवान दे करे पई है, तू सारी लै लै। उहदे 108 मणके हुंदे ने, कबीर जो जो कर्म की है राखे तले दबाए, वेड दा टाइम तुसीं कहोगे कि ये बंदे एक ये बंदे तो धरती दे तुरे फिरदे ने, ये बंदे
जिन्हों ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की नरादरी की महाराज का अपमान किया। बंदा तो साध संगत जी मुकदी गल की कोई रोज दी प्रौने ने खालसा जी इन्हों दी कुल्ला गर्क होनिया ने कुल्ला एक बरी कह दौ बहरू आओ तो मैं दिल्ली च लै आवा इतने जो ना 1999 की विसाखी मनाई ना साढ़े साढ़े सारे जरनल इतने बहते हैं दिल्ली के लाल किले के अंदर जिन्हें भी उन्होंने सारे के दफ्तर जिन्हें तुहाडे आ जिन्हें भी पुलिस वाले ने DGP वगैरह सारे इतने बहते हैं असी उन्होंने कहा जरा ध्यान देना पवेगा समा आग्या नहीं दे रहा मैनू लगे कहीं इतने नहीं मना सकते विसाखी मैं वाई नाट वर्स द कॉज कहते गुरुद्वारा ही मनाओ जाके तुम सानू ज्यादा सैटिस्फाई करो कि इतने क्यों मनानी है। मैं क्या साहब असं अज लाल किले दसना चाहते हैं जिथों सवा सवा मन हिंदुआ का जंजू लैन देना हुक्म यारू यारी होंगे सन आ लाल किलिया तेन दसना चाहते हैं माफ करना जिते सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज शहीद करन दा हुक्म यारी किया गया दसना चाहते हैं वह जालम कित्थे गए यालमा की लाद कित्थे गई जे रहे उन्हें धर्मी सतगुरु पातशाह दे सिख रहे तो उन्होंने माफ करना सासां दी उन्हां दी संगत रही। जदों ये गल की मैनू कहंदे ने तुसीं हस हस के मनाओ सज्जणों जरा ध्यान देना पवेगा जदों ये गल कई पातशाह ने की 108 मणकियां दी बणी कपूर दे माल्या मणकियां दी सुची माला तेरे दुष्ट चंदू दवान दे घरे पई है सॉरी लाल बादशाह जहांगीर ओ गल बैठी सी कह दे वैरू ओ गल बैठी सी नहीं तो जे नहीं तो चंदू चंदू कह सकता सी चंदू कह सकता सी कि तुहाडे कहिंदे तां मैं शहीद कीता ते मैनू महाराज सजा कादी दे रहा एक बारी कह दे वैरू गल दे विच पर जदों टाइम निकल जांदा सज्जणो माफ करना सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब साडे ही गुरु ने। मैं तुहानूं इक नवीं गल दसां रशिया च मेरा नाल पढ़िया मेरा एक दोस्त उत्थे दी मैसेज अंबैसडर है मुंडा तो जाट बेचारे साढ़े हरियाणे के जाट बेचारे जिस दिन असी रोस मार्च की तापे में कहते बाबा जी तो कुत्ते हरामी बंदों का काम है माफ करना। उत्थे मेरा एक दोस्त भी रहिंदा जिहड़ा उत्थे चंगी पोस्ट है कहन लगा बाबा जी एक रशिया ऐसा कंट्री है जिहड़ा कम्युनिस्ट रब च ट्रस्ट नहीं रखता पर कहिंदा इत्थे दी लाइब्रेरी मैनूं देखण दा मौका मिलिया वह गुरु घर के श्रद्धालु ने कहिंदा उत्थे दी लाइब्रेरी दे विच कहिंदा बकायदा उन्होंने ग्रंथी सिंह रखिया सी वास्ते ते बकायदा गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश किया कहिंदा मैं आई बिकेम सो सरप्राइज कहिंदा आई पुट देम क्वेश्चन उत्थे जिहड़े बंदे सीगे गोरे गारे मैं उन्हूं पुछिया तुसीं ते किसे धर्म नूं नहीं मनदे तुसीं ते रब नूं नहीं मनदे कहिंदा विद क्राइंग वॉइस ना चलाउंदे होए कहिंदा उत्थे दे गोरे गोरियां लगे कहण सचमुच असीं रब नूं नहीं मनदे। फिर कहिंदे इस होली बुक नूं तुसीं क्यों मनदे हो सिखां दे गुरु ग्रंथां नूं क्यों मनदे हो। उन्होंने कहिंदा जवाब दिता दुनिया के हर धर्म ग्रंथ च औरत जाति की निंदा की गई एक गुरु ग्रंथ साहिब है जिहदे च इसत्री जाति की वड़ियाई की गई खालसा जी असी इस करके माफ करना जरा ध्यान देना पवेगा साध संगत जी सैंपल दिखा गया तुहानूं पाकिस्तान किन्ने मर गया जिदन भुचाल आया पढ़िया अखबारा पढ़िया सन तुम बोलते क्यों नहीं किन्ने मर गए माफ करना वो सैंपल दिखा गया इतने किड़े पिलर खड़े किए ने वो तो सैंपल खड़े कर गया माफ करना जेड़ा तुम्हें क्या ना कि तुम दिवाली वाले दिन भोग पाओ अरदासा करो महाराज दुनिया च शांति आपसी भाईचारा बनिया रहे पंथ की चढ़ती कला रहे तेरे सिख बाणी पढ़ते रहन सच्चे पातशाह कृपा करो उन्हां दुष्टां दा बेड़ा गर्क करो जिन्हां ने आप जी की बेअदबी की है एक बारी कह दिओ बहरू इत्थे इत्थे चंदू दवान का कहना कहना जी गुरु साहब झूठ बोलते हैं इत्थे कहना कि चंदू माफ करना कि गुरु साहब झूठ बोलते हैं समा आग्या नहीं दे रहा पर एक मिनट गल सुन के जाए जी एक बारी कह दिओ बहरू एक बारी फिर कह दिओ बहरू इत्थे चंदू दवान का कहना गुरु साहब झूठ बोलते हैं मेरे कोई माफ करना माला नहीं पई। मेरे पातशाह ने आख्या बादशाह जहांगीर साढ़े दो सिख भेजते नाल अपने एक दो बंदे भेजो उन्हें लै आने उन्हें लैके आ जाते हैं गुरु साहब ने आख्या भाई पुराने वर्गे
भाई गुरदत्ता जी वर्गे सिखां दी ड्यूटी लाई, फलाने था ट्रंक पिया, ट्रंक चक लिया, ट्रंक लिया विचों माला निकली, बादशाह जहांगीर मेरे पातशाह ने माला फड़ाउंदे, जदों माला फड़ाई तो बादशाह जहांगीर बड़ा खुश होया, कहन लगा महाराज एक बेनती करा, एक बारी कह दिओ बार, एक बारी फिर कह दिओ बार, एक बारी फिर कह दिओ बार, माफ करना कई गल्लां नहीं करन वालियां, मेरी नित्रोज दी अरदास हुंदी है, पंथ दी चढ़दी कला रहे, दिन दुगुणी रात चौगुणी तरक्की करो, तुहानूं तत्ती वाह ना लगे, माफ करना सजना। कई कहिंदा ना कि कोई शब्द नहीं औड़दा, पर याद रखना इत्थे बादशाह जहांगीर ने आख्या महाराज आ चंदू ने मेरे कोल भी एक झूठ बोलिया सी, एक वारी कह दिओ वाहिगुरू, मेरे कोल भी झूठ बोलिया सी, जिवें हुण बोलिया ना कि पंजवें पातशाह है जे दी बीमारी ना चले गए ने, महाराज बोलो, आप किरपा करो, हुक्म करो, हुक्म दिओ, मैं इस चंदू नूं कहड़े कुत्ते की मौत मारा, इहनू की सजा दिया। मेरे पातशाह ने आख्या नहीं नहीं नहीं, तेरे सजावां दित्तियां, तेरे सजा दित्तियां, मेरे सिखां दा गुस्सा ठंडा नहीं होना, इहनू साडे हवाले कर दे। बड़ी समझण वाली गल है, आख्या महाराज आप जी दे जो चितावे तुसी, बड़ा लंबा प्रसंग है कि विचार करांगे, माफ करना जो चितावे नू सजा दिओ। सुख दा समय दी उड़ीक च बैठे सन, हजूर छेवें पातशाह ने आख्या फड़ लो दुष्ट नू, मारिया उहदी नक्क दे विच सूआ, ते नक्क पाड़ के ते नकेल पाली। मेरे पातशाह कहिंदे साडा सिख उह है जिहड़ा इहदे सिर च पंज जुत्तियां मारेगा। खालसा जी सत्संग ते निंदक का मूँह काला होआ, दीन दुनिया के दरबार। मुकदी गल की इत्थे फिर बादशाह जहांगीर ने एक गल दोहराई, एक बारी कह दे वाहिगुरू, एक बारी फिर गल दोहराई, इन्हें आख्या महाराज ये तो गुरु घर का दोषी मैं तुहाडे हवाले कर दिता, ये गुरु घर का दोषी मैं तुहाडे हवाले करता महाराज, इन्हें मेरे को झूठ बोलिया सी, इहनू जिहड़ियां मर्जी सजावां दिओ महाराज, इस गुनाह की सजा मैनू तो नहीं भुगतनी पवेगी, इस गुनाह की जो माफ करना, इस दुष्ट ने एडा वड्डा गुनाह किया, एडा वड्डा पाप किया, इस पाप की सजा मैनू तो नहीं भुगतनी पवेगी, गुनाह की सजा मैनू तो भुगतनी पवेगी। मेरे पातशाह ने आख्या बादशाह जहांगीर, उन्हें आख्या मैं तो बेखबर सा, मारे बेखबर सा, तू होया तो तेरे राज च एक तरीका जो बार होया तो तेरे राज सजणों आप दोषी तो नहीं, पर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई तो साढ़े समय से है, आप महाराज खंड पाठ कराइए, गुरु घर कले कले गुरु घर च दिवाली वाले दिन अरदासा करिए महाराज, असं अभी माड़े दिन सुनने सन, एक बार कह दे वाहिगुरू सतगुरु पातशाह जी ये भी कन्ना ना सुनना सी कि आप जी की इन्नी बेअदबी हो गई, पर इत्थे बादशाह जहांगीर नूं मेरे पातशाह गुरु हरगोबिंद समार कह रहे हैं, कहिंदे होया तां तेरे राज, इन्हें कहा महाराज किरपा करो, किरपा करो, मैनू इस गुनाह की माफ़ी बख्श। गुरु साहब ने आख्या जहांगीर तेनों कोई गल दसीए, एक बारी कह दिओ वाहिगुरू, तेनों कोई गल दसीए, इन्हें आख्या महाराज करो किरपा, गुरु साहब लगे कहन जहांगीर इस गुनाह की माफ़ी असी तेनू दे सकदे, पर जा इस गुनाह की माफ़ी ना तेनू मेरी माँ गंगा दे सकती है, मेरी माँ गंगा दे सकती, गंगा जा हरिमंदर साहब जाके उन्होंने चरण फड़ ला, जे मेरी माँ बख्श दे ते गल मनी जा सकती। सजणों जरा ध्यान देना पवेगा, साडे हिरदे वलूंदरे गए ने, साडे माफ करना आ किहो जी दिवाली आई, काली दिवाली काले दिन, बेअदबी गुरु ग्रंथ साहब की। इधरों महाराज दिल्ली तो हरिमंदर साहब में चले गए, दिवाली वाले दिन पातशाह का उत्थे पुजना, दीप माला हो रही है तो दूजे पासे जुत्तियां की खड़काई भी हो रही खालसा जी चंदू की। पर साध संगत जी कहते हैं दो दिन दे बाद बादशाह जहांगीर का
दिल्ली तो हरिमंदर साहब नूं कूच करना, एक बार कह दिओ वाहिगुरू दिल्ली तो हरिमंदर साहब नूं कूच करना। तो जदों हरिमंदर साहब पुजना समा आग्या नहीं दे रहा, जाके बादशाह जहांगीर ना अपनी राणी बेगम नूर जहां दे नाल पुजिया, तो जाके माता गंगा देना जदों लगा ना चरण फड़न, हाँ माता गंगा ने कहा बादशाह बादशाह जहांगीर, जिन्हों क्या माता जी मैनू उस गुनाह की माफी, आ क्या बादशाह जहांगीर परे हाथ सज्जे हाथ ना पिछे नू कर रहे ने, ते खब्बा हाथ ते खब्बी उंगली उतां नू चक्क दे। माता गंगा ने आख्या आख्या बादशाह जहांगीर कुछ समा पहला आ जांदा शायद माफी हो सकती सी, हुण साडे चरना फड़ क्योंकि हुण इह केस दरगाह दे विच चला गया। खालसा जी इह दरगाह दे विच चला गया, माफ करना इह ते फैसले दरगाह दे विच होणगे। अपनी राणी नू किहा मैनू ते माता ने चरनी फड़न दित्ते, तू इंज कर तू ही माता गंगा दे चरण फड़ लै। जद वह चरण लगी फड़न माता गंगा ने कहा नूर जहां एडी वड्डी गलती भुल के ना करी, क्योंकि औरत की इको ही थां हुंदी है पैर फड़न की, सिर्फ ते सिर्फ वो पति दे पैर फड़न की थां हुंदी है, वो दी थां नहीं हुंदी। क्यार गुरु की संगत माफ करना फिर पछताया कुछ नहीं बनया करता। सजनों ये भी केस वेट द टाइम दैट केस इज नॉट हीयर, इत्थे नहीं, ए भी केस गुरु नानक दी दरगाह चला गया। सजणों पंथ दे दुखी कदे बचे नहीं। सजणों मैं तुहानूं बेनती कर देनी चाहुंदा, तुसीं सारिआं ने भाई साहब ने भी किया एक दिन तुसीं मिठाइयां ना खाओ तुसीं मर थोड़े चले हो, है एक दिन तुसीं मिठाइयां ना खाओगे तुहाडे बच्चे पुछण मम्मी पापा डैडी उन्हां दे घर दीवे जगदे ने पै, साढ़े घर दीवे क्यों बुझे ने, आखो पुत्र साढ़े दीवे तो उस दिन बुझ गए सन जिधर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की गई, साढ़े तो दीवे उस दिन बुझ गए सन जिस दिन गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की गई। माफ करना गुरु की संगत, बच्चे कण मां वो मिठाइयां खाते असी क्यों नहीं खाते, तुसी कहण वाले बनो बेटा इस अज दी दिवाली माफ करना, काले दिन लैके आई गमियां लैके आई माफ करना। सतसंग जी होर तो गल मनी जा सकती, कल दे कीर्तन दे विच विचार करांगे। सज्जण भावें कई दिन प्रोग्राम बंद किए गए, लोगों को कहा मैं प्रोग्राम तो दिल्ली दे भी कैंसल करन दी सतसंग प्रोग्राम बनिया सी, पर फिर भी इन्हां टुटे पुटे शब्दों तुसी माफ करना प्रवान करना। पर मैं गुरुद्वारा साहब दे इत्थे दियां कलोनियां वालियां नूं इत्थे दे माफ करना, जिन्हें भी तुहाडे सतसंग जी गुरुद्वारे दे प्रबंधक ने उहनां नूं बेनती करदा। बड़ी गोलक निकलदी गुरु घरां च, एक वारी कह दिओ वाहिगुरू जे तुसीं 5-10 हज़ार रुपया तुहानूं किसे रिटायर्ड मिलटरी दे किसे सिपाही नूं देना पै जाए इह कोई वड्डी गल नहीं। मैं कई बार कीर्तन च कहता हूँ सतसंगे जी माफ करना, तुहानू मेरी गल चंगी लगे मेरा ख्याल तो तुहानू जरूर चंगी लगेगी। माता सीता नू रावण त्रेता युग चुरा के लै गया, त्रेता च दास सारे धर्मां दा सत्कार करदा क्योंकि साढ़े गुरु साहब ने सब नू प्यार किया। एक बार कह दिओ वाहिगुरू, एक बार फिर कह दिओ वाहिगुरू माफ करना। माता सीता दी कीती नरादरी नू हिंदू भरा अज तक नहीं भुले, अज तक नहीं भुले। त्रेता युग की उम्र 16 लख वरा सी, दुआपर युग की उम्र 12 लख वरे दा सी। कलयुग भी बड़ा गुजर गया पर कहन तो सकोज नहीं करांगा, धन ने हिंदू भरा जेड़े रावण की तरफों कीती माता सास सीता की नरादरी नू अज तक नहीं भुले। माफ करना साल दे साल रावण मेघनाथ ते कुंभकरण का बुत साड़िया जाता। मैं तुहानू कोई पुछ सकदा नौवें पातशाह की शहीदी किन्ना क समा होया, इन्नी जल्दी भुल गया सी साहिबजादियां की शहीदी किन्ना क समा होया, चमकौर दे विच कड़गियां वालिया आनंदपुर छड़ दिता,
जोड़ा किसे पासे, घोड़ा किसे पासे, खेरू खेरू वो परिवार गया, थोड़ा किसे पासे, थोड़ा किसे पासे, माफ करना चारे लाल धर्म तू वार दते, जोड़ा किसे पासे, जोड़ा किसे पासे, माछी बाड़े जंगलों में आण सुता, कड़गी किसे पासे, तोड़ा किसे पासे। पंजवें पातशाह की शहीद नूं किन्ना टाइम होया, और नौवा गुरु ना दिल्ली च सीस दिंदा, एक बारी कह दे बाहर नौवा गुरु ना दिल्ली च सीस दिंदा। अज सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान हुंदा, लाल किले ते झूलदा चन्न तारा, बैठा दिल्ली दे तख्त ते कोई मोमन खान हुंदा, और गल खत्म हो जाती इत्थे इंसानियत दी, हर बंदा ही इत्थे शैतान हुंदा। असीं भाई गुरदास दीआं वारां पढ़दे हां, माफ करना दुआपर युग च कृष्ण भगवान ने एक द्रौपदी दे परदे ढके ने, पर गुरु तेग बहादुर जी ने तां भारत दी धरती दे वसण वालियां मेरीओ मामो भैणो करोड़ां द्रौपदियां दे परदे ढके ने। तेग बहादुर हिंद दी चादर, जे ना दिल्ली जांदे अज हिंदुआं दे गल जंजू ना हुंदे, सिख ना कातरे पाउंदे, तोड़ के सतगुरु दिल्ली दे वल बच्चा बच्चा रोया सी। सतगुरु तेग बहादुर वर्गा ना कोई होया ना होया सी, अपने परिवार लई मर जाना कोई वड्डी गल नहीं, जमीना पिछे लड़ के मर जाने, घरां दे वेहड़ियां पिछे लड़ के मर जाते हैं भरा भरा, अपने परिवार लई मर जाना कोई बहुत वड्डी गल नहीं, अपने समाज लई मर जाना कोई बहुत वड्डी गल नहीं, अपने धर्म लई मर जाना यह भी कोई बहुत वड्डी गल नहीं, और दूजे दे धर्म नूं बचाउण वास्ते सिर धड़ दी बाजी ला देनी, यह सिर्फ तो सिर्फ सतगुरु गुरु तेग बहादुर मार दा काम सी। खालसा जी धर्म हित, धर्म हित, धर्म हित साका जिन किया, सीस दिया पर सिर नंदिया, तिलक जंजू रख पर ताका, कीनो बड़ो कलू मैं साका। इन शब्द प्रवान करो जी, कहना तेग बहादुर सिमरी है, अद्धे एक मिनट सकेंट की गल है जी, तेग बहादुर सिमरी है, घर नौ निध आवै ताए, नौ निध आवै ताए, नौ शब्द एक नौ ही रहिंदा, माफ करना तीन तीन तिया नौ, तीन तिया नौ, नौ दूनी अठारह, एक पासे एक, एक पासे अठ, एक जमा अठ किन्ना बन गया जी, नौ तीए सताई, एक पासे दो, दूजे पासे सत, दो जमा सत किन्ना बन गया जी, माफ करना चार नीमा छत्ती, एक पासे तीन, एक पासे छे, तीन प्लस छे किन्ना बन गया जी, पंजू नी पंताली, एक पासे चार, एक पासे पंज, चार प्लस पंज किन्ना बन गया जी, छे नीम चुरंजा, एक पासे पंज, एक पासे चार, पंज जमा चार नौ, सत्तू नीम त्रेठ, एक पासे छे, एक पासे तीन, छे प्लस तीन माफ करना किन्ना बन गया जी, नौ, सत, अठू नीम बहत्तर, एक पासे सत, एक पासे दो, सत प्लस दो किन्ना बन गया जी, माफ करना नीम नीम क्यासी, एक पासे नौ अठ, एक पासे एक, अठ प्लस एक किन्ना बन गया जी, नौ, दस नीमा नब्बे, नौ जमा जीरो किन्ने बन गए जी, तदे मेरे पातशाह गुरु तेग गोबिंद सिंह महाराज लिखते हैं, तेग बहादुर सिमरी है घर नौ निध आवै ताए, इन्हें शब्द प्रमाण जी, समा कुछ ज़्यादा लग गया, दास तो तू माफ़ी मांगदा, मन बड़ा भरिया, सिख जूंदा गुरु के नाँ ते, जे साडे पिता की इज्जत है तो साडी इज्जत है, जे गुरु ग्रंथ साहिब का सत्कार है तो साडा सत्कार है, जे गुरु साहब का सत्कार नहीं तो असी खालसा जी कुछ भी नहीं हाँ। इन्हें करो शब्द प्रवान हो भुलों की माफ़ी, मैं तुहानू उम्मीद करांगा जी सवेरे शामी माफ करना, अरदास करोगे गुरु घर च सच्चे पातशाह इन्हों दुष्टा का, इन्हों पंथ विरोधियों का, इन्हों शैताना का, इन्हों इंसानी तो गिरे कमीने कुत्तियां का कदों बेड़ा गर करोगे, जिन्होंने तुहाडी बेअदबी की है माफ करना। इन्हें शब्द प्रवान हुण नमसा दा पाठ होएगा, उदों बाद अरदास होएगी, समा कुछ ज़्यादा लग गया, घर गुरु की संगत तुसी वसदे रहो, तुसी हसदे रहो, तुसी सिखी दे राह ते चलदे रहो, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सबद।
राम कली महला तीजा नंद काजू प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु पाया सतगुरु का पाया सहजी मन बजिया वाया रंग तन पुरु वर कन्या शब्द गाऊ आइया शब्द तगावो हरी तेरा मन जिनी बसाया कहन मन कुपंग हुआ सतगुरु पाया हे मन तू सदा रहो हर डाले और मारो तुम मेरे तू सब कारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सब मंगल तुम तक तुमनी सब मनो सहारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर डाले सच्चे सही हां करता तेरा सब कुछ है जिसने है सो पावे सदा सुख तना तेरी नमकाले नाम जिनके मन वसिया वाजे सब दुखने रे नमक सच्चे साजिब क्या नहीं करते रह सकता नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जन पुखा सब कवाइया कर शांत सुख मन आई बच्चे आजिन जब थक जाइया दा कुर्बान किता गुर बेटो जिस दिया है बड़े आइया नमक सुनो संतो शब्द करो पिया रो सता नाम मेरा वाजे पंच सबद तित कर सुभागे कर सुभागे सबद वाजे कला जित कर तारिया पंच कुत वत कीते और कर्म कुमारिया और कर्म पाया तुझ जिन कौ से नाम हर कहलागे नानक तई भगवान करियन हद वाजे आनंद सुनो बड़ पाकी हो सगल मनोरथ पूरे और प्रभु कब पाया उतरे सगल भूरे रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत सजन पहे सते पूरे गुरते जानी गुरते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे अपर पूरे वाजे अनुपुरत लोक अपने गुरु पानी पिता माता तरत महत साया खेला सगल जगत चंगे आइया बुरे आइया वाजे तरम हदूर कर्मी आपो अपनी केंद्र कसूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक तिन उजले केती छुट्टी नानक गुरु वाहिगुरु जी